हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में बतलाऊंगा कि डीसी कंपाउंड जनरेटर की बनावट कैसी होती है, तो देखें। और कंपाउंड जो है वो कितने प्रकार के होती है, ये आज की वीडियो में आप देखेंगे। देखिए, एक कंपाउंड जनरेटर है। कंपाउंड एक कहने से ही ये पता चलता है कि दो जनरेटरों का मिश्रण है। एक कंपाउंड मतलब ये मिला हुआ है, इसमें फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों फील्ड जो हैं इस जनरेटर में मौजूद रहते हैं। तो देखिए, ये कहता है कि जब जिस डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, ये जो फील्ड वाइंडिंग जो है दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के सीरीज में, एक भाग जो है आर्मेचर के सीरीज में और दूसरी को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो फील्ड जो है उसको दो विधि से जोड़ी जाती है, एक आर्मेचर के पैरेलल में और दूसरी आर्मेचर के सीरीज में, उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो इस जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग, जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो पतले तार और टर्नों की संख्या अधिक होती है, और सीरीज फील्ड जो है वो मोटे तार और टर्नों की संख्या कम होती है। फील्ड बाइंडिंग संयोजन के आधार पर, फील्ड बाइंडिंग जोड़ने के आधार पर ये दो प्रकार के होता है। जो पहला जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरी जो है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये दो प्रकार को इसमें विभक्त किया गया है ये फील्ड जोड़ने के आधार पर। तो देखिए, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर जो है, ये जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का एक फिगर दिया हुआ है, जो डायग्राम जो बना हुआ है तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का है। इसमें जो है देखिए, ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड है, ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है। ये ICDP मेन स्विच, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच लगा हुआ है, ये यहां पर हम लोड दिए हुए हैं। तो देखिए, ये कहता है कि ये आर्मेचर के ये जो है एक ये पैरेलल में लगा है, ये आर्मेचर के ये पैरेलल में लगा हुआ है, दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है और फील्ड जो है शंट फील्ड वो भी पैरेलल में है। देखिए, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा पैदा किया गया मैग्नेटिक फील्ड का मान, इसको जो है एक मैग्नेटिक फील्ड का मान पूर्णतः लोड करंट पर निर्भर करता है। ये कितना है जो है इसका, ये लोड करंट पर यह निर्भर करता है। लोड शून्य होने पर, अगर लोड अगर शून्य हो जाए, कुछ उस पर लोड नहीं दिया जाए तो उस होने पर तो मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी शून्य हो जाता है। जब तक इस पर लोड नहीं देंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी यह शून्य हो जाएगा और कोई EMF उत्पन्न नहीं करेगा। अतः लोड को परिवर्तन करने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बदल जाता है। अगर लोड जैसे जैसे ज्यादा लोड देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज भी
ये बदलते जाएगा, कम करेंगे उस स्थिति में भी वह बदलते जाएगा। नेक्स्ट जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में ये जो है ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ये जो देखिए ये आर्मेचर के इस सीरीज में ये फील्ड जो है यहाँ इस सीरीज में लगा हुआ है। ये आर्मेचर है, ये रिहोस्टेट है, ये शंट फील्ड है, ये लोड है, ये आईसीडीपी में स्विच यहाँ पर लोड किया हुआ है। इस जनरेटर में है जो है कि इस प्रकार के जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ की जो टर्मिनल वोल्टेज जो है कमांड लोड परिवर्तन करने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लोड को अगर वैरी भी करें, कम बेसी भी करें, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जनरेटर लगभग स्थिर टर्मिनल वोल्टेज वह देता है, मतलब इसमें ज्यादा लोड दे दें फिर भी उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहेगा, इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कम बेसी वोल्टेज नहीं होगा। और अगर ज्यादा कम भी कर देते हैं लोड तो उस स्थिति में भी ये टर्मिनल वोल्टेज लगभग आपका सेम ही रहेगा। तो एक दोनों जनरेटर में आप तो अंतर समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। इसमें जो है लोड देने पर एक कम बेसी ज्यादा होता है, अगर लोड न दे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं बन पाता है, शून्य हो जाता है। इसमें लोड दे अथवा मत दे उससे कोई अंतर आपको नहीं है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बराबर बनते रहेगा और वोल्टेज वो समान रूप से वह निकालते रहेगा। तो ये जो है आप जनरेटर के बारे में मैं बतलाया तो आप अच्छी तरह से आप घर पर अध्ययन करेंगे, ये फिगर को समझेंगे कि वो कैसे कैसे यह इसका कनेक्शन किया होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।